हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले नी पेन के बारे में। तो गाइस, जब भी नी पेन होता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं जिनकी एज 50 साल 55 60 साल के ऊपर हो जाती है, उन लोगों में जब नी पेन होता है और हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या फिर कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसके कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कुछ ऐसे सवाल होते हैं लोगों के नी पेन को लेके, वो बहुत बार बार रिपीट होते। तो आज इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये सवाल शायद आपके मन में भी रहेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद आपके डाउट्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे नी पेन को लेके। तो स्पेशली जब सीनियर सिटीजन्स की मैं बात करूँ, सीनियर सिटीजन्स लोगों में नी पेन होता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में होते हैं जिनका जवाब काफ़ी बार उनको मिलता है, काफ़ी बार नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, काफ़ी बार उनको मिसगाइड हो जाते हैं, तो इसलिए उनका नी पेन ठीक होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो गाइस, जब भी लोग नी पेन के लिए हमारे पास आती है, जो भी कहीं भी जाती है ना, तो लोगों के मन में दो सवाल हमेशा होते हैं। एक होता है नी पेन में मुझे कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, और दूसरा होता है नी एक्सरसाइजेस करने के बाद मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। ये दोनों सवाल ना काफ़ी बार हमसे पूछे जाते हैं लोगों से। तो ये स्पेशली सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनमें जब नी पेन होता है, तो नी पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उस वजह से आपको अगर नी पेन हो रहा है और वो आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो आपको हमेशा बोला जाता है कि आपको एक्सरसाइजेस करने हैं, आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है और आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमेशा आपको बोला जाता है। तो अब ये सवाल आता है कि एक्सरसाइजेस कौन से करने हैं और कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है तो एक डीजनरेटिव कंडीशन होती है, जो हमारा नी जॉइंट होता है, ये हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है अंदर की तरफ हड्डियों के ऊपर, वो कार्टिलेज घिस जाता है। डीजनरेशन मतलब उसमें वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, नेचुरली हमारे बॉडी में ये डीजनरेशन शुरू हो जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर लिया हो, आपने जवानी में बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, बहुत ज़्यादा रनिंग, बहुत ज़्यादा लेग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आके क्या होता है, उन लोगों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, या काफ़ी बार लोगों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम उन्होंने कर लिया होता है, स्टैंडिंग काम कर लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से उनका जो कार्टिलेज होता है यहाँ वाला, ये घिसना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद ये जो दोनों बोन होते हैं एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेज डैमेज होने के बाद आपके घुटने का जो गैप होता है वो कम होने लगता है, तो इसकी वजह से लोगों में नी पेन होना, उसके अराउंड स्वेलिंग आना, चलने फिरने में दिक्कत होना, काफ़ी सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ सकती थी। ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। अब एक चीज़ आप हमेशा के लिए याद रखिए, ये जो डीजनरेशन कंडीशन हमने बोली है, ये बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है। एक बार ये हो गया तो हो गया, इसको फिर से हम पहले जैसा 100% ठीक नहीं कर सकते, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। कार्टिलेज एक बार जो घिस जाता है वो घिस जाता है, उसमें अभी एक्सरसाइजेस आपको क्यों बोले जाते हैं करने के लिए, ताकि आपके नी जॉइंट के अराउंड जितने भी मसल्स ऊपर से नीचे से आते हैं, उस मसल का भी वीकनेस बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और वो मसल्स आपके नी जॉइंट को चलते टाइम, रनिंग करते टाइम या बैठते उठते टाइम उतना सपोर्ट नहीं दे पाते, इसलिए आपको ये बोला जाता है कि आपको एक्सरसाइजेस करने। एक्सरसाइजेस से क्या होता है, एक्सरसाइजेस से आपके नी जॉइंट के अराउंड जितने भी मसल्स आते हैं, लेग्स के मसल, क्वाड्रिसेप हो, हैमस्ट्रिंग हो, काफ मसल हो, एडक्टर्स हो, एडक्टर्स हो, जितने भी हैं, सारे मसल का अगर आप एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ बढ़ाते हो ना, तो उसकी वजह से जो जर्क, जो इम्पैक्ट आपके नी जॉइंट के ऊपर आने वाला है चलते टाइम, बैठते टाइम, उठते टाइम, वो इम्पैक्ट कम हो जाता है, और इसलिए उस कंडीशन में आप लोगों का जो पेन है, जो तकलीफ है, वो भी कम होने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको ध्यान रखनी कि ये कंडीशन आपकी 100% ठीक नहीं हो सकती। एक्सरसाइज हमें क्या करता है, ये कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इस कंडीशन को और ज़्यादा ना बढ़े, और तकलीफ ना बढ़े, और ज़्यादा घिसना ना हो, ये सब रोकने के लिए एक्सरसाइजेस हमें हेल्प करते। तो सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दो कि मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मैं एक्सरसाइज करूँगा और कुछ दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा, मतलब ये पूरा नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपका इतने सालों का जो स्ट्रेस आपके जॉइंट के ऊपर आया था, वो ठीक होने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। दूसरी चीज़, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मसल वीकनेस बढ़ते जाता है, बॉडी का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ते जाता है, इसलिए आप ये सोचना बंद करें कि मैं आज एक्सरसाइज करने लगा हूँ, मुझे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, और मैं आज एक्सरसाइज करूँगा और 10-15 दिन में मैं ठीक होने लगूँगा, मेरा पेन कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता।
ये एक प्रोसेस होती है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसमें आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या करते हो, कुछ दिन के लिए करते हो एक्सरसाइजेस, फिर छोड़ देते हो, फिर कहीं और जाते हो, फिर करते हो, छोड़ देते हो, तो इसकी वजह से कहीं एक फुल प्रूफ आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। इसलिए जो भी आप कहीं भी जाओ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाओ, आपको जो एक्सरसाइजेस बोले जाते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग करने हैं। जब तक आपको, आप चाहते हो आपको चलना फिरना है सब रूटीन होना चाहिए, तो आपको एक्सरसाइजेस सालों तक रोज करनी चाहिए, ताकि आपका नी जॉइंट और ज़्यादा डैमेज ना हो। उसमें जो भी अभी प्रॉब्लम बन चुके हैं उसको एक्सेप्ट कर लो, जो है वो है, बस इतना ख्याल रखना है कि वो प्रॉब्लम और ना बढ़े, इसलिए आपको सारे एक्सरसाइजेस करने चाहिए। अब एक्सरसाइजेस कौन से करने चाहिए, इसके लिए मैंने हमारे चैनल पे नी पेन को लेके ऑलमोस्ट 15 से 20 वीडियो बना के अपलोड कर दिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, पैटेलो फेमोरल सिंड्रोम हो, या टेंडनाइटिस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का जो वीडियो है हमारे यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है। वो सारे वीडियो का लिंक मैं भी क्या करता हूँ, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सारे एक्सरसाइजेस डिटेल में मैंने दिखाए कि कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे पैर को उठाना है, क्या करना है, सब कुछ वहाँ पे दिखाए, तो वहाँ पे आपका एक्सरसाइजेस का पार्ट कवर हो जाएगा। दूसरी जो सवाल हमारे मन में था लोगों को, मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा, तो ये दिन का आप सोचना बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये एक्सरसाइज जो होती है एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, ये 2 दिन या 4 दिन 15 दिन का ऐसा नहीं होता, आपको करते रहना है। धीरे 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 आपके मसल का जैसे स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका नी पेन 100% ठीक होना शुरू हो जाता है। अब काफ़ी सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ग्रेड 4 के लेवल के ऊपर चला जाता है, बोन पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको बोलते डॉक्टर्स कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो शायद आप सर्जरी के लिए जाओगे, वही बेटर रहेगा। क्योंकि उस नी पेन के साथ जीना, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाता है। सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक लेवल नॉर्मल चीज़ें हो जाती है, आप चलना फिरना नॉर्मल कर सकते हो। तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 या 3 तक है, तो एक्सरसाइजेस आपको काफ़ी हद तक हेल्प करते उस कंडीशन को मेंटेन रखने में, उस कंडीशन को आगे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में। बट अगर ग्रेड 4 है और आपको बार बार बोला जा रहा है कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आपको कंपलसरी सर्जरी करनी चाहिए। ये आपका पर्सनल कॉल रहेगा, इसमें हम कोई आपको फोर्स नहीं कर रहे, बट आपका पर्सनल एक चॉइस रहेगा। अगर आपको करनी है तो बेटर रहेगा, अगर नहीं भी करनी तो दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। उसके बाद काफ़ी बार लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, नी पेन की कंडीशन में अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपकी एज 50 से ऊपर है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक्सरेज में या हमारा रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है कि आपका नी का गैप कम हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको 100% अवॉइड करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को लॉन्ग वॉक नहीं करना। मैंने देखा है लोगों को वॉकिंग करना बहुत पसंद होता है, एक्सरसाइज जब भी बात आती है एक्सरसाइज के लोग बोलते हैं मैं तो वॉक करता हूँ, मैं तो रोज 10 किलोमीटर चलता हूँ, 15 किलोमीटर चलता हूँ, 5 किलोमीटर चलता हूँ। बट गाइज, अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप लोगों को जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का जो वॉक होता है रोज का, वो कम कर देना चाहिए। क्योंकि वॉक करके आप आपके नी जॉइंट को और ज़्यादा एग्रीवेट कर रहे हो, उसको और ज़्यादा आप वेयर एंड टेयर करने के लिए मजबूर कर रहे हो। इसलिए आपको वॉकिंग जो होती है वो हल्की फुल्की बस पैर खोलने के लिए चाहिए, तो ठीक है आप एक आधा किलोमीटर या 10-15 मिनट राउंड मार के आगे, दैट इज़ ओके। बट उस कंडीशन में वॉकिंग आपकी एक्सरसाइज नहीं होती। आपको एक्सरसाइज होती है आपके जो पर्टिकुलर मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग, उस मसल की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको करनी होती है, उसके स्ट्रेचिंग आपको करनी होती है, उस एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहली चीज़, जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चलने में पेन है, बैठने में पेन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, स्वेलिंग स्पेशली नी जॉइंट के ऊपर, तो आप वॉकिंग कम कर दीजिए। अगर आप बंद कर देते हो कुछ दिन के लिए और एक्सरसाइजेस फॉलो करते हो तो वो भी चलेगा। आप नहीं बंद करना चाहते तो उसको जस्ट थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि उसमें आपको नी जॉइंट को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, आपको जंपिंग एक्टिविटी 100% बंद कर देनी है। आपको कहीं भी जंप नहीं करना जोर से। अगर आप डांस के लिए जाते हो, किसी भी ऐसे एक्टिविटी में जाते हो जहाँ पे आपको बार बार जंप करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके नी के ऊपर प्रेशर आके आपके नी के लिगामेंट्स होते हैं, उसके जो भी अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको जंपिंग 100% अवॉइड करनी है। इसके बाद आपको रनिंग भी अवॉइड करनी है। आप वॉकिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको रनिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं होती। रनिंग की वजह से भी इम्पैक्ट आके आपके नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ सकता है और पेन बढ़ सकता है। इसके अलावा आप जब बैठते हो, मैंने देखा है काफ़ी जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको वज्रासन में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वज्रासन की पोजिशन सब लोगों को पता होती है। आपको 100% वज्रासन अवॉइड करना है।
अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी पिन है तो आपको वज्रासन में नहीं बैठना, उसमें आपके नी के लिगामेंट्स के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और आपका पेन बढ़ सकता है। वज्रासन के साथ आप लोगों को चौकड़ी मार के या क्रॉस लेग सिटिंग पोजिशन में होता है ना जब हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं ऐसे चौकड़ी मार के, तो वो भी आपको 100% बंद कर देना है, उसमें भी आपके नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उसकी वजह से आपका नी पेन बढ़ सकता है। आप क्या कर सकते हो, सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर या फिर बेड के ऊपर आराम से पैरों को नीचे टांग के आराम से बैठ सकते हो। और दूसरी चीज़, आप लोगों को अगर पॉसिबल होगा तो हाइट के ऊपर, जैसे चेयर होता है, बेड होता है, सोफा है, उसके ऊपर बैठना है, ज़मीन पे बैठने की कोशिश ना करें। अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा सीवियर है तो उस कंडीशन में चौकड़ी मार के ज़मीन के ऊपर बैठने की कोशिश ना करें, उस चीज़ को भी आप अवॉइड कीजिए। इसके साथ आपको थोड़ा डाइट, हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा आपका B12, D3, कैल्शियम, इस जो सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, विटामिन वगैरह, इसको आपको हमेशा चेक करते रहना है। कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से भी जल्दी वो वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो इसका भी एक चेक आपको रखना है। हमेशा एक ब्लड टेस्ट साल में एक बार तो आपको पक्का करना चाहिए और देखना चाहिए आपकी कैल्शियम, B12, D3 या जो भी मिनरल्स है उसका लेवल कहाँ तक है, कितना डिफिशियंसी हो चुकी है, इसके भी आपको हमेशा चेक रखना है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होते हैं जो नी पेन में आपको 100% अवॉइड करनी चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो बनाने का जो समरी था, एक्सरसाइजेस जो होती है आपको कौन से करने चाहिए, उसके सारे वीडियो मैं नीचे दे दूंगा, आप वो चेक कीजिए। दूसरी चीज़, कितने दिन में आपको ठीक होना, ये सोचने से बेटर है कि मुझे अभी एक्सरसाइजेस करने हैं, जब तक मुझे चलना फिरना है तब तक ये एक्सरसाइजेस मुझे करते रहने हैं, इतना आप एक्सेप्ट कर लो और उस हिसाब से फॉलो करो। तीसरी चीज़, मैंने जैसे कुछ चीज़ें बोली आपको अवॉइड करनी है, वज्रासन, रनिंग, जंपिंग या फिर आपको क्रॉस लेग सेटिंग पोजिशन है बिल्कुल अवॉइड करना है, उसकी वजह से भी आपको नी पेन हो सकता है या बढ़ सकता है। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं लोगों को देना चाहता था। ये बहुत कॉमन होती है, काफ़ी लोगों को पता भी होता है, बट काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसको लेके कि हमें करना चाहिए नहीं या क्या करना चाहिए। तो एक्सरसाइजेस का पार्ट आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, बाकी मैंने काफ़ी लेवल तक कोशिश की आपको कि आपके सवालों के जवाब आपको दे सकूँ। तो गाइज, अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।